वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जीवन साखियां, तन तन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले महापुरख। पुस्तक पूरन सोई संत लड़ीवार। भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब जी का भी बाबा जी दे नाल बड़ा प्रेम सी। भाई साहब बचपन तो ही बाबा जी की संगत विच सन ते अनेकां बख्शिशां बाबा जी तो लईयां सन। समा पा के 1992 विच भाई साहब जी दे घर पुत्तर ने जन्म लिया जिस दा नाम ओंकार सिंह रखिया। भाई साहब जी मठियाई दा डब्बा लैके संगत सर साहब कुटिया घनुपुर काले विखे आए। भाई साहब ने बाबा जी नूं दस्या कि बाबा जी पुचंगी आया है। बाबा जी ने सहज विच वचन कीता कि पुत कीर्तनिया बनेगा। भाई साहब ये बख्शिश लैके बड़े खुश होए। बाबा जी दे वचना दी ऐसी बख्शिश वरती के भाई ओंकार सिंह अज कल भाई जगतार सिंह होरां दे नाल ही कीर्तन की सेवा निभा रहे हैं। ऐसिया बख्शिशां वाले महापुरख सन, उन्हां दी लीला बेअंत सी। जिस उत्ते भी वह नदर कर देंदे सन वह नदरो नदरी निहाल हो जाता सी, धनता दे योग बन जाता सी। भाई गुरदास जी भी वचन करते हैं कि गुरमुख नदर निहाल ने निहाली है। भाई साहब बाबा जी दे दर्शन करन लई ते असीस लैन लई बाबा जी दे कोल आउंदे रहिंदे सन। एक वेरा भाई साहब जी दर्शन करन लई गुरद्वारा संगतसर साहब विखे आए हुए सन। राजा सांसी एयरपोर्ट नज़दीक होण करके हवाई जहाज़ गुरद्वारा संगतसर साहब दे कोलों बहुत नीवे हो के लंघदे सन। भाई साहब बाबा जी दे कोल बैठे सन, एक हवाई जहाज उत्तों दी लंघिया। भाई साहब जी का ध्यान उस जहाज वल चला गया ते ओ उतां नूं देखन लग पए। बाबा जी भाई साहब जी नूं कहिंदे, पुत की वेंदे हो, तुसीं इन्हां च तुरे फिरिया करना। उस समय तां भावें इस बचन की समझ ना आई होवे पर भाई साहब जी दसदे सन कि हुण कीर्तन की सेवा करदे होए कदी किसे देश जांदे हाँ ते कदी किसे देश। उस वेले बाबा जी दे इन्हां बचना की याद आउंदी है। पूरा सी उन्हां दा बचन, जो भी मुख चो बख्शिश कर देंदे सन वह पूरा जरूर हुंदा सी। बचन भी है अटल बचन, साधु जना सब मैं प्रगटाया। ऐसे करनी कमाई वाले महापुरखां परथाए ही बाणी विच भी बचन आया है कि जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के ही के। भाई साहब जी दसदे सन कि बाबा जी का हर बचन बड़ा प्रेरणामई हुंदा सी। बड़ी प्रेरणा बाबा जी दे बचना तो मिलती सी। बाबा जी शब्द नाल जुड़न लई बड़ी प्रेरणा देंदे सन। हर वेले चित शब्द वाले पासे जुड़िया रहे, मन हर वेले शब्द की संगत करदा रहे, यही प्रेरणा बाबा जी देंदे सन। बचन भी है गुरसिखी दा सिखना शब्द सुरत सतसंगत सिख है। गुरु अमरदास साहब जी भी बख्शिश करते हैं कि गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू जित सेवै सुख होए। एक वेरा भाई साहब जी दर्शन करन लई संगतसर साहब कुटिया विखे आए। गुर फतेह दी सांझ करके बाबा जी दे कोल बैठ गए। बाबा जी ने वचन किया, पुत किवें आए हो? बाबा जी आप जी दे दर्शन करन लई आए हैं। पुत शरीर ते दर्शन चलो कुछ शरीर दे भी हुंदे ने, पर निरे पूरे शरीर दे दर्शन दर्शन नहीं हुंदे। तुहानूं दसीए फिर दर्शन केड़े हुंदे ने? सत वचन जी, पुत दर्शन दे हुंदे ने जिहड़े गुरु पातशाह जी दसदे हन। शब्द पढ़ के तुहानूं सुना दिंदे हाँ, मिलिया मिलिया ना मिलिया 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 जे होए।
अंतर आत्मै जो मिलै मिलिया कही है सोए। पोते जड़ा अंतर आत्मे दा मेल है, यह जड़ा शब्द दे राही मेल है, यही असल दर्शन है। भाई साहब जी होरी बाबा जी दे कोलों ये अदुत्ती बचन सुन के बड़े निहाल होए ते उन्होंने बाबा जी का शुकराना किया। ज्ञानी लखविंदर सिंह जी सोल, प्रचारक श्रेणी के ज्ञानी लखविंदर सिंह सोल नाल भी बाबा जी का बड़ा प्रेम सी। ज्ञानी जी ज्ञानी लाल सिंह जी के पोतरे सन। ज्ञानी लाल सिंह जी सोल सिख जगत विच बड़ा नामवर ढाडी जथा सी। ज्ञानी लाल सिंह जी का बाबा खड़क सिंह जी कर सेवा वालियां दे नाल बहुत प्रेम सी। बाबा बुढ़ा साहब जी दे अस्थान गुरद्वारा बीर साहब विखे संग्रांद दे दिहाड़े उत्ते दीवान लगाउण दी आरंभता बाबा खड़क सिंह जी ने ज्ञानी जी दे कोलों ही करवाई सी। ज्ञानी लाल सिंह जी एक वेरा बाबा जी कुली वालियां दे दर्शन करन लई आए, गुरफतेह की सांझ कीती ते बाबा जी ने ज्ञानी जी होरां नूं हाल चाल पुछया। फिर वचन कीता कि पुत तुसी की काम करदे हुंदे हो। ज्ञानी जी होरां ने दस्या कि बाबा जी असी ढाडी हाँ। बाबा जी कहिंदे कि ढाडी हो ते सानू भी फिर कीर्तन सुनाओ। ज्ञानी जी कहिंदे कि बाबा जी संगत तां कोई है नहीं, कीर्तन किस लई करना है। उस समय बहुती संगत अजे आनी शुरू नहीं हुई सी ते संगतसर साहब का बहुता विस्तार भी नहीं होया सी। बाबा जी कहिंदे कि ज्ञानी जी एक मैं हाँ ते चार साढ़े साथी होर आ जाने ने, तुसी कीर्तन शुरू करो। वचन मन के ज्ञानी जी होर ने कीर्तन शुरू कर दिता। मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिए राम। ज्ञानी लखविंदर सिंह जी दसते सन के पापा जी होर ने कीर्तन शुरू किया तो उत्थे दो खड़प्पे नाग ते दो शेर आके बैठ गए। ये देख के ज्ञानी जी होरी बड़े हैरान होए। उन्होंने ढाई घंटे कीर्तन किया ते बाबा जी चौंकड़ा मार के बैठे रहे। बड़ा आनंद बनिया, ज्यों बचन भी है महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। ज्ञानी लाल सिंह जी नूं निश्चय बज गया कि कोई पूर्ण साधु हन जो ऐसे हिंसक जीव भी महापुरखां दे कोल आ के प्रेम विच रहिंदे हन। ज्ञानी जी का भी बाबा जी दे नाल बड़ा प्रेम बन गया ते वह भी बाबा जी दे कोल आउण लग पए। ज्ञानी जी तो बाद उन्हां दे बेटे ज्ञानी मुख्तार सिंह जी सोल भी ढाडी जथा बना के कीर्तन की सेवा निभाउंदे रहे। ज्ञानी मुख्तार सिंह जी भी बाबा जी दे प्रेम वाले सन। वह भी बाबा जी दे कोल आउंदे हुंदे सन ते हाड़ दी पूर्णमाशी ते सलाना दिहाड़े ते भी हर साल हाजरी भरदे सन। सन 1992 विच ज्ञानी मुख्तार सिंह चढ़ाई कर गए। उन्हां तों बाद ढाडी जथे दी सेवा भी बंद हो गई। ज्ञानी मुख्तार सिंह दे पुत्र ज्ञानी लखविंदर सिंह सोल अपने पिता जी दे साथियों दे नाल बाबा जी दे दर्शन करन लई गुरद्वारा संगतसर साहब विखे आए। सहजे होआ साधु संग। उस दिन गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब सी। ज्ञानी जी होरां ने बाबा जी दे नाल गुरफतेह दी सांझ कीती। बाबा जी कहिंदे कि पुत ज्ञानी जी होरां दी सेवा अगों किसी ने लई कि नहीं। साथियों ने दसिया कि नहीं बाबा जी, उन्हां दी सेवा किसी ने नहीं लई। बाबा जी लखविंदर सिंह नूं कहिंदे ओ तैनूं की होया, तू क्यों नहीं ज्ञानी जी दी सेवा नूं अगे तोरदा। ज्ञानी जी कहिंदे कि बाबा जी मैं ते अज तक कदे संगत विच खलो के फतेह भी नहीं बुलाई, कदे कुछ गाया वजाया नहीं, ना ही मैनू कुछ आउंदा है। बाबा जी कहिंदे कि चल तू स्टेज चढ़ स्टेज उत्ते। बाबा जी ने ज्ञानी जी नूं स्टेज उत्ते खड़ा कर दिता। ज्ञानी जी दसदे सन कि मैनू आउंदा ते कुछ नहीं सी, पर मैं पिता जी दी एक कैसट सुनी सी ते ओह मैनू याद सी। मैं तकरीबन एक डेढ़ घंटा स्टेज ते लैक्चर कीता। ये बाबा जी दा ही आशीर्वाद सी कि उन्होंने इस पासे ला दिता। वचन भी है एक जो साधु मुह मिलियो तिन लिया अंचल लाए।
बाबा जी ने फिर ज्ञानी जी नूं स्टेज उत्ते ही थापड़ा दिता ते बचन कीता कि जा हुण जिथे मर्जी गज्जी जा। उस तो बाद बड़ी किरपा हुई ते ज्ञानी जी ढाडी जथा बना के कीर्तन करन लग पए। पातशाह भी बचन करदे हन साधु संग प्रापत जा को तिन ही पाया इहो निधान। गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर किरपा नानक दीजै दान। बाबा जी ने ज्ञानी जी नूं तिन बचन कीते, पुत बिना सदे तो किते नहीं जाना, उंज दर्शन करन चले जाना पर जथा लैके नहीं जाना। पुत जिथे भी जाना कदे समें दा रौला नहीं पाउणा, झगड़ा नहीं करना। पुत कदे भी किते माया पहलो करके नहीं जाना। बड़ा समा ज्ञानी जी बाबा जी दे इन्हां बचनां नूं मन के चलदे रहे, पर ज्ञानी जी दसदे सन कि कुछ लोगों ने इन्हां बचनां दी दुरवरतों शुरू कर दित्ती। असी माया पहलों करके नहीं जाते सी, कुछ प्रबंधकों ने समा लवा लेना तो फिर हाथ जोड़ देने, खर्चा भी ना दिया करना। ज्ञानी जी होरां ने काफ़ी समा कढ़िया। फिर एक दिन बाबा जी दे नाल बचन किया कि बाबा जी असी माया किसे नाल भी नहीं करते, पर कुछ प्रबंधक दुरवरतों बहुत करते हैं, हाथ जोड़ देंदे हैं ते तेल पानी का खर्चा भी नहीं देंदे। बाबा जी मुस्करा के कहंदे कि अच्छा चल फिर इहो जिहा नाल तू कर लिया कर। बाबा जी दे आशीर्वाद सदका ही ज्ञानी जी विदेश विच भी प्रचार करन लई आए। सन 1998 विच अमरीका दी संगत ने ब्रू स्टार दे संबंध विच राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नूं मेमोरेंडम देना सी। उत्थे वाइट हाउस विच एक धार्मिक समागम भी रखिया गया। सतगुरु पातशाह जी की ऐसी कृपा हुई कि वाइट हाउस विखे प्रबंधक वीरां वलों ज्ञानी लखविंदर सिंह शोल दी ढाडी कीर्तन की सेवा लाई गई। ज्ञानी जी ने फिर वाइट हाउस विखे 15 मिनट लैक्चर किया। आपे सेव कराएदा प्यारा आप दिवावै मान। ज्ञानी जी ये देख के बड़े हैरान होए कि धन बाबा जी, किथे मैं पठे वड्ढण वाला आम जिहा इंसान ते किथे अज तुसी वाइट हाउस विच सेवा ला दित्ती। वार वार बलिहारने जांदे सन ज्ञानी जी ऐसे कमाई वाले सतपुरशां तों। ज्ञानी जी ने सतगुरु पातशाह जी ते बाबा जी दा कोटान कोट शुकराना कीता। संगत सर साहब विखे भी बहुत संगत दा इकट्ठ होण लग पिया सी। बाबा जी साहब नूं गुरमुख सिद्धांत नाल जुड़न दा उपदेश दिंदे सन। अध्यात्मक जीवन दे बड़े प्रभावशाली ते डूंघे बचन बाबा जी संगत नाल सांझे करदे हुंदे सन। संगत सर साहब विखे बाबा जी वल्लों बख्शिश कीते कुछ अध्यात्मक बचन। नंबर 1, सुरत दा मार्ग। बाबा जी संगत विच बैठे हुए सन। बाबा शिंगारा सिंह जी कंदोवाली वाले भी बाबा जी दे कोल बैठे सन। बाबा जी बाबा शिंगारा सिंह जी नूं कहंदे कि पुत कोई मन दा फुरना है तां सांझा कर लै। बाबा शिंगारा सिंह जी कहंदे कि बाबा जी बेनती है कि इस जन्म दे शुरू विच ना बड़े पाप कमाए ने, सरपंची भी कीती है ते होर भी बड़े रंग देखे ने, पर कृपा करियो कि अगले जन्म बचपन तो ही अपने चरणा नाल जोड़ लियो, इन्हां पापा वल ना जाण दियो। बाबा जी बाबा शिंगारा सिंह नूं कहंदे कि पुत शरीर नाल जुड़े हुए नूं जुड़िया नहीं आखदे, जुड़िया ओही है जो सुरती करके शब्द दे नाल जुड़िया। मन विच प्रेमा भगती दा चाओ होवे ते सुरती विच परमात्मा, ओही गुरमुख प्यारा असल विच जुड़िया है। पुत शरीर दे नाल नहीं जुड़ना, गुर शब्द दे नाल जुड़ना है ते सुरती करके जुड़ना है। बचन पिया मिलिया मिलिया ना मिलै, मिलै मिलिया जे होए, अंतर आत्मै जो मिलै मिलिया कहीऐ सोए। गुरसिख सुरती करके शब्द दे नाल जुड़ जांदा है, सुरत दे मार्ग उते तुर पैंदा है। पुत फिर एक जन्म दी गल नहीं, उहनूं ते जुगां जुगां तक कोई नहीं तोड़ सकता। उहनां दी प्रीत फिर कदे भंग नहीं हुंदी। बचन पिया जिन डिठिया मन रहसी है, क्यों पाईए तिन संग जियो,
संत सजन मन मित्र से लायन प्रभ स्यो रंग जियो, तिन स्यो प्रीत न तुटई कबो न होवै भंग जियो। जिस वेले गुरु नानक पातशाह जी गोरखनाथ ते उसके चेलिया दे कोल सुमेर पर्बत ते गए तो सिद्धा ने गुरु नानक पातशाह जी नूं प्रश्न पुछया सी कि हे बाले, तू गुरु किस नूं मनदा है, तेरा गुरु कौन है, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। गुरु नानक पातशाह जी ने सिद्धा नूं भी यही बचन किया सी कि कोई शरीर मेरा गुरु नहीं, मैं किसी शरीर नाल नहीं जुड़िया हाँ, मेरा गुरु शब्द है। ना तो मैं किसी शरीर नाल जुड़िया हाँ ते ना ही मैं शरीर करके जुड़िया हाँ, मैं शब्द दे नाल जुड़िया हाँ ते सुरती करके जुड़िया हाँ। शरीर नूं किसी शरीर नाल नहीं जोड़िया, मैं सुरती नूं शब्द नाल जोड़िया है। सुरती दे विच मैं शब्द नूं सिमरदा हाँ ते शब्द दा ही रूप होया हाँ। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, अथवा खट मट दे ही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सच नाम पतीना। बाबा जी ने भी बाबा शिंगारा सिंह जी नूं शरीर दे विच रहिंदिया सुरती करके शब्द ना जुड़न दा उपदेश दिता। ये भी वचन किया कि पुत, शरीर नाल ना तो असी कदे किसी नूं जोड़िया तो ना ही शरीर नाल किसी ने जुड़ना। शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ही सेवक बनना है। शब्द गुरु दे नाल जोड़न दी ही साडी दरगाही ड्यूटी लगी हुई है। जो सुरती करके शब्द नाल जुड़ गया उही जुड़िया है। सुरती नूं शब्द विच जोड़न दी ही कमाई करनी है। शर्मखंडी दी अवस्था ही यह है कि जगयासु अपनी सुरती नूं घड़दा है ते शब्द नाल जुड़दा है। तिथै घड़िया सुत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिदां की सुध। शरीर तां इंज है जिवें कुम्हार ने बर्तन घड़ दिता, एक साधन घड़ दिता। साधन दी लोड़ है वस्तु दी यात्रा लई, पर मुल वस्तु दा है। इवें ही शरीर नूं साधन जानना, पर सफर सुरती दा है, यात्रा सुरती दी है। मिट्टी दा अंत मिट्टी है, सुरत दा अंत परमात्मा है। मिट्टी दी कोई यात्रा नहीं, मिट्टी तो उपज के अंत फिर मिट्टी विच हो जांदा है। यात्रा सुरत दी है, ए आने रूप तो चल के ब्रह्म ज्ञानी हो जांदी। इसे सुरत दी यात्रा दा उपदेश बाबा जी संगत नूं करदे सन, पर सुरत दी यात्रा है कि अंतरमुखी होना, आपने अंतर वल जाना, आपने नज़दीक जाना, अपनी बुद्धि तो उपर उठ के मन नू एकागर करना, मन बुद्ध चित अहंग तू विलीन हो के एक आत्म स्वरूप विच लिवलीन हो जाना, यह है सुरत दी यात्रा। यही मार्ग ते चलना है, सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर प्रगासी। कबीर साहब जी भी वचन करते हैं, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, सुरत सुन अनुरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल भई अवरै, नातर था बेगाना रहाओ। सुरत दी यात्रा प्रथाए बाबा जी बचन करदे होंदे सन कि मनुख तीन हिस्सों में वंडिया है, शरीर मन ते आत्मा। जैसे बीमारी बुढ़ेपा मौत ये सिर्फ देह तक ही हैं, मन दरमियानी चीज़ है विचार। मन शरीर का असर अपने उत्ते लैंदा है, ये मनुख का सुभा है। आत्मा इस तू अगे है, आत्मा तक कोई चीज़ नहीं पहुँचती। इंसान का अपना आप ही आत्मा है, ये मन जिस्मानी बनिया होया है। शरीर नाल मिल के इसने शरीर के सुभा अपने विच लै ले हन। जे किते मन उल्ट के आत्मा नाल जुड़ जावे, ये आत्मा का सुभा ग्रहण कर लेंदा है। मन का तन वाले पास्यों उल्ट के आत्मा वाले पासे जाना, यही सुरत की यात्रा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।